हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीरास कुकिंग कॉर्नर में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन की सब्जी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। इसके स्वाद के आगे तो पनीर, चिकन, मटन सब फेल है। तो फ्रेंड्स, चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बेसन की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है, यहाँ पे हमने एक कप बेसन लिया है। इसमें डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच अजवाइन है, इसे हाथों पे लेके क्रश करेंगे। क्रश करके डालने से अजवाइन की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और ये पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 पिंच हींग, इससे डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, थोड़े से धनिया के पत्ते। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक घोल बना के तैयार करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका घोल तैयार करेंगे। एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा घोल ज़्यादा पतला हो जाएगा। देखिए, हमने घोल बना के तैयार कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है। यहाँ पे हमने 1 कप पानी लिया था, उसमें से देखिए आधा कप पानी हमने यूज़ किया है। कढ़ाई में हमने 4 बड़े चम्मच तेल पहले से गर्म करने के लिए रख दिए हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हाथों पे लेके हम कढ़ाई में इसे डालेंगे। हमने सभी पकौड़ों को तेल में डाल दिया है, इसे हम तुरंत नहीं चलाएंगे। थोड़ा सा पक जाए एक तरफ से, तब हम दूसरे इसे चलाएंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे, अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसे हम इसी तरह कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करेंगे, ताकि हर तरफ से हमारा पकौड़ा अच्छी तरह से पक जाए। देखिए, हमारे पकौड़े पक चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। देखिए, हमने सभी पकौड़ों को अच्छे से पका लिया है। कितने अच्छे से हमारे पकौड़े एक ही साइज़ में बने हुए आप इसमें देख सकते हैं। इसमें देखिए ये दरारें पड़ी हुई हैं। काफ़ी अच्छी तरह से हमने बेसन का घोल तैयार किया था, इसलिए इसमें ग्रेवी काफ़ी अच्छी तरह से ऑब्जर्व होगी। चलिए, अब हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हम यहाँ पे इसी कढ़ाई में हम हमारी ग्रेवी बनाएंगे। हमने एक्स्ट्रा तेल इसमें से निकाल दिया है, तेल हमारा गर्म है। आधा चम्मच जीरा डालेंगे और 1 तेज़पत्ता डालेंगे। 1 हमने बड़ा प्याज बारीक कट कर लिया, इसे डाल देते हैं। इनको हम अच्छे से भून लेते हैं। इसे हमें अच्छी तरह से पकाना है, एकदम गोल्डन ब्राउन करना है इसे हमें। देखिए, हमारा प्याज थोड़ा पक चुका है। अब इस स्टेज पे हमने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, इसे डाल देते हैं। इन्हें भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं, ताकि अदरक लहसुन भी साथ में अच्छे से हमारा पक जाए। फ्रेंड्स, आप इस सब्जी को आप ना बिना लहसुन प्याज के भी बना सकते हैं, वैसे भी ये बहुत टेस्टी लगता है। देखिए, प्याज का कलर हमारा चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब इस स्टेज पे हम यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टेज पे गैस का फ्लेम लो रखें, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। ऑयल में मसाले डालने से सब्जी में कलर बहुत अच्छा आता है। देखिए, मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। यहाँ पे हमने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर पीस लिया है, इसकी प्यूरी बना लिया है, इसे डाल देते हैं। अब साथ में इसे भी हम पका लेंगे। स्टेज पे हम थोड़ा सा यहाँ पे हींग डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी सब्जी में। अब इसे हमें अच्छी तरह से पकाना है, 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। देखिए, हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। यहाँ पे हम गैस को थोड़ा सा ऑफ कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारे मसाले ठंडे हो जाए, क्योंकि हमें इसमें दही को ऐड करना है। गर्म मसाले में अगर हम दही को ऐड करेंगे तो हमारी दही फट सकती है। इसे हम 2 मिनट तक ठंडा कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं।
यहाँ पे हमने 3 चम्मच दही लिया है, इसे डाल देते हैं। साथ ही यहाँ पे हमने कसूरी मेथी 1 चम्मच लिया है, इसे हम क्रश करके डाल देते हैं। इससे हमारी सब्जी में खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमने दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम गैस ऑन कर देते हैं। इसको हम चलाते हुए 1-2 मिनट और पका लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से पक जाए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें ऑयल रिलीज होना शुरू हो चुका है, इसका मतलब हमारा मसाला काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है। अब स्टेज पे हम इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी को ऐड करेंगे। कि यहाँ पे हमने 1.5 कप पानी को ऐड किया है ग्रेवी के हिसाब से। अब इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं स्वाद अनुसार और इसे हम बॉईल आने तक अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे अच्छे से बॉईल आने देंगे इसमें। चलिए हम खोल कर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हमने यहाँ पे जो बेसन के पकौड़े बना के रखे हैं, अब इन्हें हम डाल देते हैं। इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे वापस से ढक्कन लगा कर अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे ताकि पकौड़ों में मसाले अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए। चलिए हम सब्जी को खोलकर चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पकौड़ों का साइज डबल हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से इसमें मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं पकौड़ों में। यहाँ पे हम थोड़े से धनिया के पत्ते ऊपर से डाल देते हैं, इससे सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और यहाँ इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लग रही है, देखने में काफ़ी यम्मी लग रहा है हमारा सब्जी। चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बेसन की रेसिपी बनकर तैयार है। यह बहुत ही टेस्टी और यमी लगती है और बहुत ही फटाफट से बन जाती है। अगर फ्रेंड्स आपको कोई घर में सब्जी समझ में ना आए कि आज हम क्या बनाएं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी और बहुत ही कम समय लगता है इसे बनाने में। फ्रेंड्स, आप इस सब्जी को ना पराठों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, ये सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस रेसिपी को अगर आप एक बार बनाएंगे तो फ्रेंड्स हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर ही बनाएंगे, ये इतनी टेस्टी बनती है। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।